हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राम राम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ दिन की शुरुआत हो चुकी है। थक गई। 2 बजे वो ऑफिस से निकली। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और रोज़ का भागा दौड़ी वापस से वही ज़िंदगी में स्टार्ट हो गया है। और बस आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। कैसे हैं आप सब? बस उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ आज राज स्कूल नहीं गए हैं तो आज जो है लेट सब लोग उठे क्योंकि राज को ठीक नहीं था, उस वजह से नहीं गए वो स्कूल। अभी भी लाडो हमारी सो रही हैं और आज हमारे किचन में बनने वाला है, क्या बनने वाला है? पनीर बिरयानी। और तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि अभी बारिश नहीं है और थोड़ा उजाला टाइप लग रहा है तो वो देख के, और लाडो अभी सो रही हैं तो आ गई मैं तब तक यहाँ पे हॉल में बैठ के। ये लोग टीवी देख रहे हैं, मैं लहसुन वगैरह छील लेती हूँ और राज ने मुझे दोबारा चाय दिया। लाडो का यहाँ पे वापस से स्टार्ट है उठने के बाद और मैं यहाँ पे अभी फटाफट सुपर फास्ट तरीके से बनाती हूँ। वेज पुलाव बोल सकते हैं, पनीर बिरयानी बोल सकते हैं, जो भी अपने भाषा में जो पसंद आए वो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। बहुत हम सबको बहुत पसंद आया, मीन्स बहुत ही पसंद आया कि दोबारा हम लोग सोच रहे हैं वापस से बनाने का। और बहुत इजी तरीके से बनाएं, उसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ अलग से चीज़ें नहीं लानी है। जो मिर्च मसाला आपके किचन में है सिर्फ पनीर लाना पड़ेगा। तो अभी डी मार्ट से हम लोग जो है थोड़ा क्वांटिटी में ये सब चीज़ें ले लेते हैं कि फ्रिज में रख के थोड़ा दिन यूज़ करते हैं। तो एक दिन जैसे उसी दिन हमारा लच्छा पराठा और पनीर था तो आज चलो पनीर बिरयानी बनाते हैं। अभी भी है फ्रिज में तो उसका देखते हैं, इन लोगों को पनीर पिज्ज़ा चाहिए तो उसके लिए सोच रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो है हमारा मिर्च मसाला तड़का वगैरह सब रेडी हो रहा है और आज ही मैंने अदरक लहसुन पेस्ट बनाया क्योंकि ख़त्म हो गया था। और बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ, कोई झंझट नहीं है। आप इसमें पूरा रेसिपी देख सकते हैं, जो आपके पास धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर ये है, ये थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला जो कि एवरेस्ट का, आर्ची का, जो भी है आपके पास। और थोड़ा सा हमने जो है इसमें शाही बिरयानी मसाला आता है वो हमने थोड़ा सा डाला है। चावल पहले से भिंगा के रखा था धो के, और हल्का सा जो है गरम करेंगे बहुत ही लाइटली अपना पनीर जो है। और पनीर उधर जो है मेरा गरम हो रहा है, थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। और यहाँ पर मेरा राइस जो है वो थोड़ा सा मैं भून रही हूँ। और अब भी मैंने डाला थोड़ा सा बिरयानी मसाला, जो बिरयानी मसाला तो वो उससे थोड़ा फ्लेवर आता है बिरयानी जैसा, और सच में बहुत टेस्टी बना था। और एक उसमें मिस्ट्री क्या हो गया कि पीस जो है वो डालना मैं भूल गई। जब ये घी मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि पानी वगैरह डालने के बाद, सब डालने के बाद ऊपर से घी डालेंगे तो उसका एक अलग टचअप आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल चिटकता नहीं है और एकदम से गिल्ला नहीं होता है। इसलिए घी जो है तैयार होने के बाद ऊपर से डाल के फिर चलाने के बाद ही कुकर लगाएं। और ये हमारा अभी रेडी हो गया, अभी हम कुकर लगाएंगे फटाक करके और बस हो गया हमारा बिरयानी, पनीर बिरयानी। और मटर डालना हम भूल गए, बाद में याद आया निकालने के टाइम। अरे मैं राज से बोल रही हूँ, राज अरे मैंने तो मटर डाला ही नहीं, तो बोल रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वैसे भी हमारी लाडो को पसंद नहीं है मटर, तो उसके लिए बहुत चुनना पड़ता है उसमें से, पता नहीं क्यों उसको एकदम नहीं पसंद है, मतलब मुँह में भी चला जाए तो वो निकाल देती है ऐसा। और ये हमारा 3 जन का बिरयानी निकल चुका है प्लेट में, मेरा, राज और नित्या का। हस्बैंड अभी ड्यूटी हैं तो हम तीनों ही फटाफट जो है अभी खा लेते हैं क्योंकि राज को बहुत ज़्यादा गरम खाना पसंद है। कोई भी चीज़ बोलता है ना, मम्मी एकदम गरम रहेगा तो ही दीजिएगा। तो अभी हमारा प्लेट लग चुका है और राज फटाफट जो है वो हॉल में लेके जा रहे हैं, हम फटाफट खाएंगे। हमारी लाडो को भी बहुत पसंद आया और बहुत पसंद से खाई। राज तो उसको तो आदत है तारीफ़ करने की, बहुत तारीफ़ करता है। और खा के हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पैसे की रोटी जैसे रोटी बन रहा है आज पैसे का। क्या हुआ था फ्रेंड्स कि हमने थोड़ा सा चेंज लिया था आज अपने दूध वाले भैया से, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि चेंज नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो वो सामने से पूछते हैं हर महीने में कि चेंज चाहिए क्या, तो दे दूँ। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये बारिश के मौसम में आप सब भी ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ज़्यादा पुराना अगर लगे नोट, बहुत ज़्यादा
मीन्स नरम लगे एकदम, हाथ में लीजिए तो पता नहीं कैसा हो रहा है। तो इसको अच्छे से एक बर्तन गरम करके, तवा हो कुछ भी हो, गरम करके जो है एकदम कड़कड़ाती नोट जो है तैयार हो गई है, हमारा रोटी बनके तैयार हो गया एकदम खाखरा वाला रोटी। आप सब भी ये पैसे की रोटी ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, हमारा मन गया एकदम। सच में ऐसा वापस आता है ना एकदम, ये यहाँ पे मैजिक चल रहा है, एक नोट का दो नोट हो रहा है। आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, तुरंत तुरंत पलटना है। आप देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ और पलट रही हूँ, तुरंत निकाल रही हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा हीट बस लगा और आप नीचे भी रखेंगे तो भी वो कड़क हो जाएगा। उस पर बहुत टाइम छोड़ने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो जल जाएगा नोट। और आप सब भी ये मैजिक ज़रूर, काला जादू आजमाइए, एक नोट से दो नोट फटाफट हो जाएगा। और आप सब कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा तो 2000 का 4000 हो गया, वही मैं देख रही थी कि अरे चलो फटाफट 4000 हो गया और मेरा पैसे वाली रोटी भी कंप्लीट हो गई बनके, खाखरा वाली रोटी। और यहाँ पे जो है लाडो हमारी अभी रेडी होंगी, फटाफट मैं इनको पहना, सबसे बड़ा काम तो लाडो का रहता है सच में। राज हैं आज घर पे, तो राज आगे पीछे कर रहे हैं। और फटाफट जो है मैं लाडो को रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे कंघी करने के टाइम लाडो को थोड़ा सा बाल फंस गया, बहुत दुखने लगा, तो मेरा बच्चा बहुत रोने लगा, मुझे ये तो कैसा लगने लगा, क्योंकि जल्दी ये रोती नहीं है, बहुत खुश रहती है, लेकिन उसको लग गया थोड़ा सा तेज़ कंघी, तो अजीब सा वो रोने लगी, लेकिन फिर चुप हो गई, थोड़ा टाइम में शांत हो गई। और बाल मैं बना लेती हूँ फटाफट। इस टाइम पे ना ये छोड़ना लाना मीन्स बारिश में बहुत तकलीफ़ हो जाता है, और कुछ न कुछ जो है बाहर का भी काम निकल जाता है, एक दो आप बाहर जाओ तो कुछ न कुछ रह जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। जो है इनको भी नहीं जाना था आज स्कूल, लेकिन देखी थोड़ा बारिश जैसा नहीं लग रहा था तो सोची चलो मैं लेके जाती हूँ, ये बोल भी रही थी मम्मी मुझे लेके चलो, तो इसलिए जो है मैं फिर रेडी कर ली फटाफट लाडो को। और इनको रेन कोट पहनने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इनको रेन कोट पसंद नहीं है पहन के स्कूल जाना, वो भी एक प्रॉब्लम है। और मैं भी अभी लाडू के साथ मैं भी रेडी हो गई। और गाइस, मैं ये मेरा न्यू बॉटन है, इसको मैं ऐसे लेकर ऐसे खोलती हूँ, ऐसे हो जाता है, फिर इधर से ये जो पाइप आपको दिख रहा है उसमें से पीती हूँ। फिर गाइस मैं इसे ऐसे ऐसे दबाती हूँ, फिर ऐसे इसको रख देती हूँ। थोड़ा टाइम जो है मैंने लाडो को दे दिया बात करने के लिए। अभी यहाँ पे इनको ओरियो बिस्किट बहुत पसंद है, तो ये टिफ़िन में और कुछ नहीं, मम्मी मैं खाना खा के जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बिस्किट दीजिए, नहीं तो मैं बीच में रोटी बाजी देती थी, लेकिन ये लेके आती थी, आधा खाती थी आधा लेके आती थी, तो मैं टिफ़िन में बिस्किट केक कुछ ऐसा ही दे देती हूँ, और आने के बाद उसको वापस से खिलाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि बाहर बारिश है कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत टेंशन होता है रेनकोट से, बहुत नर्वस हो जाती हैं अगर लगता है बारिश है, अभी रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा तो। लेकिन जो है मैं बोलती हूँ कि नहीं चलो मैं अम्ब्रेला में लेके जाती हूँ, और मैं गेट के बाहर जो है निकाल ही देती हूँ, निकाल के मैं लेके आ जाती हूँ साथ में, और इनको ऐसे जो है अंदर भेज देती हूँ। और ये खेलते कूदते जो है टिफ़िन आधा घर पे ही ख़त्म कर देती हैं हमारी लाडो। पहले बोलेंगी इतना रखो, फिर बोलेंगी एक देना मम्मी, फिर दो देना मम्मी, कभी कभी तो एक आध पीस ही बचता है, जैसे साबुदाना वड़ा हो गया, केक हो गया, कुछ बिस्किट हो गया ऐसे टाइप का, तो एक आध ही बचता है, तो वापस से मुझे डालना पड़ता है, मतलब घर पे ही टिफ़िन ये कर लेती है। अभी ये बिस्किट खाने में एकदम है, और पता नहीं बिस्किट की वजह से किस वजह से 2 दिन पहले इनको थोड़ा सा मतलब बहुत ही तकलीफ़ हो गया, इनको उल्टी भी होने लगा, लूज मोशन भी होने लगा, लेकिन अभी ठीक हैं ये। तो अभी बस स्कूल जो है हम लोग निकलने वाले हैं, और ये सैंडल भी पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा ये बहुत नर्वस होती है जाने के टाइम, तो चलो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूँ तो इसके हिसाब से फिर मैं इसको खुश करके लेके जाती हूँ, नहीं चलो और जाके स्कूल जो है छोड़ के फिर मैं जो है आ जाती हूँ थोड़ा टाइम में। ये बारिश की वजह से बहुत टेंशन होता है, लेकिन हमारी लाडो जो है खुश रहती है स्कूल जाने के लिए, बहुत खुश रहती है। और मैं राज को बता के निकल जा रही हूँ, और आई मैं अभी वापस स्कूल से, रेनकोट मैं लेके आई हूँ, क्योंकि उनको बहुत टेंशन होता है रेनकोट का, मम्मी मुझे रेनकोट पहना के मत दीजिए, मैं
रख नहीं पाती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ। और मैं वहाँ से 2:45 बजे वापस आई, क्योंकि वहाँ से मैं एक जन से मिलने ऑफिस में गई थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे। और राज हैं, राज आने के बाद बहुत सारा सवाल करते हैं, मम्मी ये हुआ क्या, मम्मी वो हुआ क्या, अच्छा हो गया, अच्छा आपने ऐसा किया, अच्छा हो गया। तो मैं लाडो के लिए स्वीट कॉर्न वहाँ से लेके आई हूँ, मुझे मिला तो मेरे लाडो को बहुत पसंद है। और मैं फिर राज को बता रही हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं दूसरा वाला फ़ोन लेके गई, क्योंकि OTP चाहिए था वो ऑफिस में। और निकलने के टाइम अचानक से दिमाग में आया कि अरे ये फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ, ईमेल आईडी वो फ़ोन से है तो यही लेके जाती, तो वही राज को मैं बता रही हूँ कि अच्छा हुआ मैं ये फ़ोन लेके गई। तो बोल रहा मम्मी आप इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग बहुत काम करता है। तो अभी वो हर 2 मिनट में बोले मम्मी गोरी लग रही हो, मम्मी पतली लग रही हो, मम्मी क्या लगाती हो, सही सही बताओ क्या लगाती हो। तो उसको मैं बता रही हूँ कि ऐसे मैंने लिया, वहाँ से ख़रीदा, ऐसा उसने बोला, ऐसा किया, मैं उस तरफ से आई, पैसे के लिए भी बहुत घूमी, तब जाके एक ATM 3 ATM गई तो चौथे ATM में पैसा मिला। और मैं फटाफट जो है बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि 3 तो ऐसे ही बच गया है और 4:30 बजे फिर निकलना है। और ये रखूँगी मैं बॉयल होने के लिए, और बीच में मैं चाय एक पीऊँगी, फिर एडिट करने बैठूँगी। एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तब तक मेरा हो जाएगा टाइम जो है लाडो को लेके आने का। पूरा दिन कैसे निकलता है ना मालूम नहीं पड़ता है। और जो है यहाँ पे मैं दूध, जो दूध वाले अंकल जो लाते हैं, वो मैं पहले रख दे रही हूँ बॉयल होने के लिए। और नमक डाल के जो है ये रख दे रही हूँ मैं उनका लाडो का कॉर्न बॉयल होने के लिए, तब तक ये हो जाएगा। और आ गई मेरी लाडो जो है, सब होते होते मेरी लाडो जो है स्कूल से आ गई, और बहुत खुश होकर आती हैं, घर पे आती हैं तो बहुत खुश होकर। और वो जैसे जा रही हूँ उधर, तो एक कुशन जो है थोड़ा साइड में, देखिए आप देखिए राइट साइड में थोड़ा है वो गिरा है, तो बोल रही हैं आपका बेटा ना समझता नहीं है, आपके बेटे को तो कुछ काम ही नहीं है। वो भाई ये पिल्लो यहाँ पे गिरा है, आपको समझ में आ रहा है क्या, अभी अंदर से आएंगे तो बोलेंगी। पहले उनका अभी थोड़ा सा नखरा थोड़ा ये वो चालू रहेगा, अब आएंगी बाहर तो बोलेंगी ओ भाई थोड़ा ये पिल्लो जो है ठीक से रख लिया करो। और मैं भी आने के बाद फिर बता रही हूँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, रेनकोट में ये वो रिक्शे में। वो खुश खुश जा गई और जाके आई बहुत, क्योंकि मन नहीं लगता ये लोग बाहर रहते हैं। और अभी मैं ठीक कर रही हूँ तो मेरी लाडो को दिखा, भाई ये ठीक नहीं कर सकते क्या, मेरी लाडो जो है बाप रे। और ये बोल रही ना एकदम आपका बेटा बेकार है, एकदम इसको दिमाग नहीं है, एकदम ये समझता नहीं है, ये राज को एक सांस में बोल रही। अभी वापस किचन का ड्यूटी चालू, पहले मैं लाडो को जो जो उनको पसंद है चीज़ें वो पहले मैं उनको दूंगी। अभी ये पहले उनको कॉर्न दूंगी, इसके बाद फिर मैं उनको खाना। अभी मेरा बेटा जो है मेरे पीछे पड़ा है, मम्मी आप गोरी लग रही हो, मम्मी आप ऐसी, ये मैंने एक ड्रेस मंगाया था तो मैं शर्मा रही हूँ, मैं ऐसे हंस रही हूँ, अच्छा हाँ गोरी लग रही हूँ, हाँ मम्मी आप गोरी लग रही हो, आप सुंदर लग रही हो, आप पतली लग रही हो, ऐसे मुझे खुश करता है। मुझे मालूम है कि कोई मैं पतली नहीं हूँ, कोई सुंदर नहीं हूँ, कोई गोरी नहीं हूँ, लेकिन वो खुश करने की कोशिश करता है अच्छी अच्छी बातें बोल के, खाने की बहुत तारीफ़ करता है। और ऐसे तैसे हमारा जो है पूरा दिन निकल गया, अभी हो गई है रात, हमने किचन का भी काम सब सलटा लिया, सब क्लीनिंग वगैरह कर लिया, थोड़े से बर्तन वगैरह जो थे वो हमने धो लिया, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और बस यही मैं कामना करूंगी, उम्मीद यही करूंगी कि आप सब अपने ज़िंदगी में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की करिए, बहुत बिज़ी रहिए, क्योंकि आज के टाइम में बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बस आप सब जो है खुश रहिए अपने अपने ज़िंदगी में, और साथ और सपोर्ट कभी मत छोड़िएगा। बस मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा करने का, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।